तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ और काफी टाइम के बाद। तो भाई मैं 7:15 बजे उठ गया था और सोचा कि क्यों ना आज फुल डे ब्लॉग हो जाए। तो भाई काफी टाइम से ब्लॉग भी नहीं डाल लेते चैनल पे, तो आज काफी टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पूरे नाहन के लोकल एरियाज में भी सारे आज पावर कट आया है सुनने में। तो भाई ऐसे में जीना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब देखते हैं। और बाकी गर्मी का आप सभी को पता ही है यहाँ की किस टाइप की गर्मी होती है। भाई बस किस्में तो आड़ी है जो इतनी गर्मी में रह सकते हैं, बाकी तो बड़ा ही मुश्किल है। आज ये फुल डे व्लॉग होने वाला है, जो जो मैं करूँगा आज वो सब कुछ आपको दिखाता रहूँगा। बस आपने व्लॉग में बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये भी 8:57 हो गया, अब देखते हैं लाइट कितनी देर की मेहमान है हमारी। भाई अभी पंखा बंद किया हुआ और अभी बुरे हाल हो गए, तो जब अभी दिन भर लाइट नहीं रहेगी तो दिन में तो टेम्परेचर ही बहुत हाई होता है। अब देखते हैं किस तरह से रह पाऊँगा यहाँ, बड़ा ही मुश्किल है ऐसे तो। तो भी चला हुआ भाई सफाई अभियान, अभी तो भाई सफाई अभियान खत्म हुआ, अब नहाने चलता हूँ। जैसे ही नहा के आऊँगा वैसे ही फिर धोबी बन जाऊँगा, कपड़े भी हो गए धोने को, तो कपड़े भी धो लेते हैं। तो भाई नहा तो गया था मैं, अब थोड़े कपड़े डाल दूँ भिगोने को पानी में, जिससे बढ़िया निकल गई इसमें से। और भाई शूज धो के रख दिए, तो थोड़ा बाहर का भी देखते हैं क्या कुछ है। गर्मी सर्दी धूप तो बढ़िया लगी हुई, फिर दिन तक अगर लाइट चली तो यही धूप रोना छुड़ा देगी। भाई ये पानी वेस्ट वेस्ट वेस्ट। अब चलते हैं कपड़े धोने की ओर, तो अब कपड़े धोते हैं तब फिर मिलते हैं आपसे। भाई ये तो धो लिए, अब चलते हैं इनको सूखना डालने को। वाह धूप तो गजब लगा हुआ, हाय 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 गर्मी। कपड़े तो वहाँ तार पे डाल दिए मैंने सूखने को, और भाई शूज यहाँ। बस अब चलते नीचे रूम की ओर, यहाँ तो बहुत गर्मी है और बस पसीने ही चलते गर्मी में। तो अब ले जाएंगे कपड़ों को शाम को। 10:30 हुए और टेम्परेचर पहुँच गया भाई 36 डिग्री हो गया, मतलब टेम्परेचर अभी का तो दिन तक तो शायद 40 क्रॉस करेगा। असली धूप तो अब लगेगा ना 12 से और 2 के बीच में, तो अब देखते हैं। फिलहाल लाइट तो नहीं गई है, अब देखते हैं जाने भी नीचे, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई कपड़े धोने के बाद थोड़ा यहाँ रूम में सेटिंग सी की मैंने, जिसमें टाइम लग गया। और भाई अभी टाइम हो रहा है 1:15, तो भाई अब लंच बनाते हैं, तो खिचड़ी बनाऊंगा जो जल्दी सी बन जाए, अब भूख भी लगी तो आपको भी दिखाऊंगा। ये अपने प्याज आ चुके हैं, ये प्याज काट दिए, ये टमाटर और ये रख दिए करके। अब गैस करते हैं ऑन और फिर बनाते हैं।
भाई खाना बनाने में इतना प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैं, पर अपने खाने लायक बना देता हूँ। बट भाई सिस्टर और भाई की बनाते मैक्सिमम टाइम तो अपना खाना पीना तो हो चुका है, तो अब भाई थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, तो शाम को मिलेंगे अब आपसे। भाई जब भी हम थोड़े ऊपर तक आए थे मोमोज खाने में और मेरा बेटा, तो भाई अब खाते हैं और तब मिलते हैं आपसे। सूप तो ऐसा दिया हुआ, कंजूसी वैसी दिया हुआ कुछ, इसे बढ़िया तो देना ही रहने देते। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो भाई अगर व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।